सो हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो फटाफट। स्क्रीन विजिबिलिटी, ऑडियो सब कुछ क्लियर है ना? चलो, सो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग पी ब्लॉक कर रहे थे। यस ओके बेटा, तो हम लोग पी ब्लॉक कर रहे थे। लास्ट क्लास में पी ब्लॉक को स्टार्ट किया था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर हो गया है अभी ये, बिकॉज इसमें से काफी सारा पोर्शन जो था वो डिलीट हो गया है ना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम पोर्शन रह गया है, जिसमें बस जनरल ट्रेंड डिस्कस करने हैं और थोड़ा सा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, जो कंपाउंड्स की स्टडी थी वो पूरा डिलीटेड पोर्शन हो गया है, तो उस कंपाउंड की स्टडी को हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो हम लोगों ने ग्रुप वन के एलिमेंट्स को कल, ग्रुप 13 का जो था दैट इज बोरोन फैमिली, उसको हमने देखा था। आज कार्बन फैमिली को कवर करेंगे और जो बोरोन में थोड़ा सा रह गया था उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जहां भी डाउट आएगा ना वहां मेरे से क्वेश्चन रेज करते रहना, पूछते रहना, बिकॉज ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझ रहे हो। तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स में क्या होता है कि थोड़ा सा थ्योरी वाइज है, मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा इस टाइप का है ये क्वेश्चन। तो जहां भी प्रॉब्लम आएगी बेटा आप लोग पूछते रहना है ना, इसको क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना, कि क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होता है कि वन वे हो जाता है कम्युनिकेशन, तो थोड़ा सा तुम लोग भी पूछते रहना। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या छोड़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग कल। ठीक है, तो कल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। तो मैंने बोला था कि जो बोरोन है और एल्यूमिनियम है वो तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है? +3 का। लेकिन बाकी जो एलिमेंट है ना, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, ये +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब समझते हो ना क्या है, कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2.3 तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करके बॉन्ड बना सकता है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि तीन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, बोरोन और एल्यूमिनियम, और +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन था कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो कोई पूछेगा कि डाउन द ग्रुप आ रहे हो बोरोन से थैलियम तक, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो जब आप बोरोन से थैलियम की तरफ आ रहे हो तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, +1 वाले की या +3 वाले की। तो बेटा हमने कल क्या पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप आने पे हमेशा +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +1 की। और इसका रीजन क्या बताया था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था, जिन्होंने कल नहीं सुना उनको दोबारा बता देता हूँ कि देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, तो ये है नंबर ऑफ शेल, जैसे नहीं बनाते हैं ऐसे सर ये गोल गोल, तो इसी को मैंने ऐसे हाफ ऑफ करके बनाया है समझाने के लिए। तो देखो जैसे ही ना चौथा या पांचवा शेल आता है, जहाँ पे 3d, 4f ये सब ऑर्बिटल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जो 4f ऑर्बिटल हो गया या 3d ऑर्बिटल हो गया, जो d और f ऑर्बिटल का शेप होता है ना, वो थोड़ा सा कैसा शेप होता है बेटा, उतना अच्छा शेप नहीं होता जितना कि s और p का होता है। जिसके चलते होगा क्या, इसके चलते ये होगा कि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस को। तो जब न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, जब वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है NH2, उसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन आउट, वैलेंस में तीन इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 13 के, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इसी को बोलते हैं बेटा, दैट इज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया ये वाला चीज कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, +1 और +3 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है डाउन द ग्रुप, +1 की। क्यों होती है उसका रीजन भी समझ लिया था। ठीक, देखो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है जो मैंने बताया, कि अगर मैं बात करूं नटशेल में, तो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड एनर्जी विद इंक्रीज इन द साइज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द NH2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंपनसेट बाई द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग टू एडिशनल बॉन्ड, thus 2s इलेक्ट्रॉन हैव डेवलप मोर एंड मोर टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। यानी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आओगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रहने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब ये टूट के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि थैलियम +3 स्टेट कंपाउंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये देखो ये TL है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भाई इसकी क्या है, इसकी टेंडेंसी तुम सबको पता है, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ना कि ये TL +1 में आ जाए,
क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो टीएल चाहता है कि मैं जल्दी से +1 में आ जाऊं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं बेटा, 3 से 1 आने को, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने को रिडक्शन बोलते हैं ना, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है वो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि थैलियम इन +3 कंपाउंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर गैलियम इन +1 कंपाउंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि +1 से उसकी बिल्कुल टेंडेंसी नहीं होगी भाई कि वो +3 में जाए, लेकिन +3 से +1 में जा सकता है। इसीलिए थैलियम जो होता है +3 स्टेट में किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जबकि गैलियम की स्टेबिलिटी हम सबको पता है कि गैलियम जो है वो +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। तो गैलियम अगर गलती से +3 में है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं +3 से, और ये है गैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या चाहेगा बेटा कि मैं जल्दी से +1 से +3 में चला जाऊं, +1 से +3, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे +1 स्टेबल होता है ना। तो गैलियम और थैलियम में थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होगा, ना कि थैलियम गैलियम सॉरी। ठीक है, अब देखो बेटा अगर ये +1 से +3 पे जाना जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना है कि थैलियम +3 कंपाउंड जो होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और जो गैलियम +1 कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। डन। चलो नेक्स्ट देखो, गैलियम द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप अपीयर्स टू बी बाइवेलेंट इन सम ऑफ इट्स कंपाउंड लाइक GaCl2, बट इन फैक्ट इट इज बिलीव टू कंटेन यूनिवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट आयन एज गैलियम प्लस रिस्पेक्टिवली। यानी कई बार देखो है तो भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, दो ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1 या +3। तो भाई या तो इसको GaCl होना चाहिए या इसको GaCl3 बनाना चाहिए। GaCl2 का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक दो जगह एक्सेप्शनल केस है कि ये बाइवेलेंट भी बना लेता है GaCl2, बट ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भी यूनिवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयंस ही होंगे, ना कि बाइवेलेंट आयंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो हम सबको पता है भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहा बोरोन, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा गैलियम, ये रहा इंडियम, और ये रहा थैलियम। ठीक है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग बेटा, जब भी आप डाउन द ग्रुप आते हो तो हमेशा आपने देखा होगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप आने पे हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है कि एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इज नोन एज मेटल। तो डेफिनेशन तो सेम ही है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटल की, है ना। तो डाउन द ग्रुप आओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के चलते वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे ये लोग शो करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया। यानी द इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है बेटा, बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ अगर आप आते हो, बोरोन टू एल्यूमिनियम, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इनका अच्छे से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डन, है ना। ये याद रखना है। इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, जो बोरोन टू एल्यूमिनियम, बोरोन इनफैक्ट इज रिगार्डेड एज अ सेमी मेटल। बोरोन को क्या बोलते हैं, सेमी मेटल, एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर क्लोजर टू नॉन मेटल्स देन मेटल्स, एंड एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। ये तो हमें पता ही है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है हम लोगों का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होता है इस ग्रुप के, 13 ग्रुप के अंदर। क्लियर है, तो 13 ग्रुप के अंदर वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल की तरह काम करता है। चलो देखो, द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्यूमिनियम। राइट, नाउ द रिमेनिंग 3 एलिमेंट, उनके बारे में क्या कहानी है, ये तो आपने बता दिया कि भाई बोरोन ऑलमोस्ट नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट नॉन मेटल मेटल है, तो अभी गैलियम, इंडियम और थैलियम के बारे में क्या कहानी बताओगे। तो याद रखो द रिमेनिंग 3
एलिमेंट्स आर वीकली मेटालिक इन नेचर एंड देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इज लेस देन एल्यूमिनियम। तो जनरली तो हम ये पढ़ते थे कि डाउन द ग्रुप आओगे, जैसे एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे तो हमने यही पढ़ा था कि अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा, जिसके चलते मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे देखो क्या है, इस ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम इज द मोस्ट मेटालिक इन नेचर, सो गैलियम इंडियम और थैलियम जो होते हैं उससे कम मेटालिक्स होते हैं, है ना, यानी देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इज लेस देन एल्यूमिनियम एंड डिक्रीज फ्रॉम गैलियम टू थैलियम, और डिक्रीज होता है गैलियम से लेके थैलियम तक। क्यों हो रहा है ऐसा? तो यहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन एड हो चुके हैं, यानी द एक्स्ट्रा d10 इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम एंड इंडियम व्हाइल d10 एंड 4f14 इलेक्ट्रॉन्स इन हेलियम, तो जिसके चलते यहाँ पे इसका जो मेटेलिक करेक्टर है वो थोड़ा सा घट रहा है, क्योंकि आपको पता है कि d10 और f के इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, d10 और f के इलेक्ट्रॉन आने से शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसके चलते वो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, खींच के रखेगा, जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता उसको कैसे बोलोगे कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक करेक्टर है। इसीलिए यहाँ पे याद रखना है, बोरोन इज अ नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, रेस्ट थ्री ऑल एलिमेंट्स आर वीकली मेटेलिक इन नेचर, हाउएवर इफ यू कंपेयर विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट मेटेलिक इन दिस ग्रुप। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, अब आता है हम लोगों का नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में क्या कहानी है आपकी, तो देखो, बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड एज B+3 आयन इज अनस्टेबल, ठीक है, जो बोरोन होता है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड एज B+3 आयन इज अनस्टेबल, यानी बोरोन किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, तो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की बिहेवियर शो करता है। कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाते हैं, कोई बताएगा मेरे को? मेटल्स कौन से कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल कौन से कंपाउंड बनाते हैं, एनीवन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बताओ। जैसे बोला ना कि बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, क्यों क्यों कोवलेंट कंपाउंड की टेंडेंसी है इसके पास, कोई दो पर्टिकुलर रीजन। No? देखो, बोरोन क्यों बनाता है भाई, सो बेसिकली बोरोन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जितने भी होते हैं सबकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड का मतलब होता है शेयर करके कंपाउंड बनाना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड एज B+3 आयन, क्योंकि अगर बोरोन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके B+3 आयन बना ले तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, शेयर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता लूज, क्योंकि B+3 आयन जो बनेगा लूज करने के बाद वो हाईली अनस्टेबल होता है, वाइल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एज वेल, मतलब बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है तुम लोगों के लिए, ध्यान से समझना कि देयर इज नो एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ B+3 आयन, राइट, सो देयर इज अ नो एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ B+3 आयन, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस इज एन एस्टिमेट। क्या बोला है कि देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस ऐसा नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ B+3 आयन, कि B+3 आयन को एग्जिस्ट करता भी हो, एंड द वैल्यू ऑफ द आयनिक रेडियस इज एन एस्टिमेट। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल, तो उस टेबल को देखते हैं फटाफट कि कौन कौन सी चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। देखो, तो ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर किया था, सबसे पहले बात करी थी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करते हैं बेटा, NH2NP1, NH2NP1, देखो बोरोन का 2S2 2P1, फिर 3S2 2P1, फिर ये देखो 3D10 4S2 4P1, अगेन वी हैव अ 4D10 5S2 5P1, अगेन वी हैव अ FDN 6S2 6P1, तो इन सबके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही तीन है, तो ये हो गया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम की पूरी कहानी, डन, क्लियर हो गया ये चीज।
अब आप एटॉमिक नंबर की बात कर लो, तो सबका पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है बोरोन का, फिर +8 कर दो, फिर +8 कर दो, फिर +32 कर दो, 32 कर दो, तो आपको ये निकल जाएगा। तो ये हो गया सबका एटॉमिक नंबर, है ना। चलो मोलर मास की अगर मैं बात करूं तो बोरोन का मोलर मास हमने पढ़ा था 10 हो गया, एल्यूमिनियम का 27 होता है ऑलमोस्ट, है ना, गैलियम का 69.72। तो इस तरीके से इसका मॉलिकुलर मासेस की बात हो गई। डेंसिटी की मैं बात करूं तो डेंसिटी इंक्रीज होता रहता है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप आओगे उसका मोलर मास बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। यानी सबसे कम डेंसिटी जो होगा वो होगा बोरोन का 2.35, और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगा वो होने वाला है थैलियम का, दैट इज 11.90। ठीक है, 11.90। अब थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, तो मेल्टिंग पॉइंट देखो बेटा, बोरोन क्योंकि नॉन मेटल है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत हार्ड होता है। जो बोरोन होता है ना बेटा, वो बहुत ही हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसके चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, देखो 2030 डिग्री सेल्सियस है, 2030 डिग्री सेल्सियस। बाकी आप देखो सबका एल्यूमिनियम सॉलिड है, इसका भी 659 है। उसके बाद से आप देखोगे तो गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, हमने कल भी पढ़ा था कि लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करता है। फिर आ गया आपका इंडियम, और लास्ट में है आपका थैलियम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा होगा बोरोन का, यानी बोरोन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही ज्यादा होता है। सेकेंड पे आता है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद से एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी अलग से एक्सेप्शनल नहीं है। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया क्या, जल्दी बताओ। डन, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस की। तो ये तो बताइए, आपको डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ता है, एक्सेप्शन कहाँ था, गैलियम और एल्युमिनियम में, क्योंकि भाई बोरोन से बड़ा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए था गैलियम, लेकिन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे एक्सेप्शन पड़ा था, इसका साइज छोटा होता है। तो देखो ये 1.26 है, ये 1.24 है, हल्का सा छोटा है, फिर 1.50, 1.55, फिर रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक, रेडियस की बात हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर मैं पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो आप देख रहे हो बोरोन का क्या होता है, 2.3, यानी ऐसे लिखो 1s2, 2s2, 2p1, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो p में से निकालना है, इजिली निकल जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो, सॉरी थोड़ा सा इशू था कुछ, है ना। चलो तो ये हो गया हम लोगों का बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात कर रहा था। तो देखो 2p1 है, तो यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली निकल जाएगा, इसकी एंथैल्पी कम होगी, लेकिन देखो सेकंड की कितनी ज्यादा हो गई है, 2427, क्योंकि अब फुल्ली फिल्ड है 2s2, उसमें से निकालना है तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, फिर थर्ड और भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि साइज बहुत छोटा हो चुका है अब, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। उसी तरीके से मैं अगर एल्युमिनियम की बात करूं तो देखो पहली 577 है, दूसरी इतनी, तीसरी कितनी बढ़ गई है, तो इसी तरीके से एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को आपको मिलता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम और गैलियम में, बता दो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, तो हमने साफ साफ देखा था भाई गैलियम का साइज क्या हो गया था, छोटा हो गया था। वैसे तो क्या होता है कि अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज बड़ा होता है, जिसके चलते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग बिहेवियर देखने को मिला, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बिहेवियर देखने को मिला। क्या बिहेवियर देखने को मिला, कि आपने यहाँ देखा कि ये भाई 800 है, 577 है, फिर 579 आ गया, 2 पॉइंट ज्यादा आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा हो गया था अचानक से, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, है ना, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन बिहेवियर देखने को।
मिला, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करूं तो ऑब्वियसली जो बोरोन है वो नॉन मेटल है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी वैल्यू होगी। उसके बाद फिर वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या हुई है, देखो एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है तो उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर गैलियम किससे ज्यादा है, फिर इंडियम किसकी ज्यादा है और थैलियम की भी ज्यादा है, यानी सबसे कम वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की होगी वो एल्यूमिनियम की होने वाली है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कर लिया, पहली बात कर ली कि बोरोन और एल्यूमिनियम +3 शो करते हैं, जबकि बाकी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है ये चीज, बताओ भाई जल्दी एक बार। कोई डाउट किसी को? नहीं, क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब थोड़ी सा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। तो सारा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सबको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, अभी किसी को भी कोई भी डाउट हो इससे पहले वाले में तो पूछ लो एक बार, क्योंकि हमने अभी अभी समराइज किया इस पूरे को, तो किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो भी एक बार कंफर्म कर दो, है तो पूछ लो एक बार, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। कोई भी डाउट नहीं है मैं मानूं, सबको क्लियर है? डन, चलो। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद एयर, वाटर एंड एसिड। तो हम देखेंगे एयर के साथ ग्रुप 13 एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फिर देखेंगे वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, एंड देन फिर हमें देखना है कि ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को देखना है कि एयर वाटर और इन सब के साथ रिएक्शन कर करके ये लोग क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं जल्दी से कि क्या कहानी है इनकी पूरा, किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो प्योर बोरोन इज अनरिएक्टिव टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी जो प्योर बोरोन होता है वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। तो प्योर बोरोन जो है, प्योर बोरोन इज अनरिएक्टिव टू एयर एट ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इट रिएक्ट विथ एयर ओनली, ये सिर्फ रिएक्ट करेगा एयर के साथ, तो इट रिएक्ट विथ एयर ओनली व्हेन हीटेड, यानी जब इसको हम हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। यानी एक नॉर्मल सी कहानी आपको क्लियर हो रही होगी कि जो प्योर बोरोन होता है वो अनरिएक्टिव होता है एयर के लिए, है ना। तो प्योर बोरोन इज अनरिएक्टिव टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इट रिएक्ट विथ एयर ओनली व्हेन हीटेड, और दूसरी चीज, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इट अटैक्ट ओनली बाय द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक H2SO4। यानी ये तीनों चीज क्लियर हो गई कि भाई एयर के साथ तो बोरोन कोई रिएक्टिव करता ही नहीं है, बिल्कुल अनरिएक्टिव है। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट आया एसिड, तो एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आप लेते हो। तो ये देखो दो तीन चीजें हैं जो समझनी है। तो सबसे पहले ये रहा कि ये हमारा बोरोन हो गया, जैसे इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो जैसे इसको हम हीट करेंगे तो B2O3 बनेगा, B2O3 बोरोन ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब तो जब हम हीट करोगे थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तब। यानी क्या समझ आया कि जो बोरोन है, अब देखो अब कई बच्चों का डाउट होगा कि आपने एयर में H2O क्यों लिखा है। देखो बेटा H2O का मतलब क्या है, मैं एयर में मॉइस्चर्स को भी कंसीडर करते हैं ऐसे, जब जब भी एयर लिखते हैं ना, एयर का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि
आप उसमें मॉइस्चर्स को भी कंसीडर कर रहे हो, तो उसमें H2O लेके चलते हो आप, है ना। तो वही लिखा था कि प्योर बोरोन अनरिएक्टिव एयर है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट इट रिएक्ट विथ एयर ओनली व्हेन हीटेड, यानी अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दो ना, थोड़ा सा हीट कर दो, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। तो ये वही बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तब ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, तब ये रिएक्शन शो कर देता है। तो यही कहानी है इसके लिए कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन ये शो करेगा। डन। चलो एल्यूमिनियम की क्या बात है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट रेडली, मतलब एल्यूमिनियम बहुत जल्दी से आसानी से रिएक्ट कर देता है इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी, यानी कोई भी टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी कर लेगा। एंड रिएक्शन तो करता ही है, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाता है जो तुमसे बहुत बार पूछा जाता है, जब भी एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्या बना लेगा बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, याद रखना हमेशा इस चीज को, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है जो बना है यहाँ पे, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को, देखो पहले ये समझो कि इट रिएक्ट इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, द ऑक्साइड फिल्म प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन। यानी मान लो कोई ऐसी चीज है जहां पे हम चाहते हैं, किसी ऐसी चीज की पैकिंग कर रहे हैं, एसिड्स वगैरह डाल रहे हैं, या किसी चीज को हम चाहते हैं कि उसका सरफेस पे पर्टिकुलर रिएक्शन ना हो, तो वहां पे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे ही आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या होगा बेटा, जैसे ही आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, वहां पे Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी। जैसे मान लो ये एक चीज है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी। अब लेयर बनने के चलते क्या होगा, लेयर बनने के चलते ये होगा कि अब फर्दर इस पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है Al2O3 की, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका बिल्कुल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है ना। तो वही प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहा है। अब गैलियम और इंडियम की क्या कहानी है, जरा इनकी भी बात कर लो भाई कि गैलियम और इंडियम क्या करते हैं, ठीक है। तो गैलियम और इंडियम की अगर मैं बात करूं, तो गैलियम एंड इंडियम आर अटैक्ड नाइदर बाय कोल्ड नॉर बाय द हॉट वाटर अनलेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यानी जब तक कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, गैलियम इंडियम आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, हॉट ले लो, कोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। एंड Tl इज अ लिटिल मोर रिएक्टिव देन गैलियम एंड फॉर्म एन ऑक्साइड लार्जर ऑन इट सर्फेस, तो गैलियम से थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव थैलियम होता है। तो नॉर्मली अगर आपको इसको पूरा समराइज करना है तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप 13 की, उसमें क्या है कि हमें देखना है कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, उनकी क्या रिएक्टिविटी है एयर, वाटर और एसिड के साथ। तो साफ से पता लग रहा है कि बोरोन इज अनरिएक्टिव, बोरोन रिमेन्स अनरिएक्टिव विद एयर, बट एट हाइयर टेम्परेचर, अगर आप कुछ टेम्परेचर बढ़ा दो, देन इट रिएक्ट टू फॉर्म बोरोन ट्राइऑक्साइड, दैट इज B2O3। सिमिलरली एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे रिएक्ट इवन एट अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। गैलियम इंडियम थैलियम ना तो कोल्ड ना तो हॉट किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, है ना। और जो Tl होता है उसकी थोड़ी सी ज्यादा टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू गैलियम टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन, कि भाई हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो हैलोजन आप सबको पता ही, इन्हीं को बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो देखते हैं कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनका हैलोजन के प्रति क्या रिएक्टिविटी है। सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विथ हैलोजन एट अ हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग ट्राई हैलाइड ऑफ अ जनरल फॉर्मूला MX3, यानी जो एलिमेंट है ग्रुप 13 के वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्मिंग अ ट्राई हैलाइड। क्या बनाएंगे? ट्राई हैलाइड। क्यों बनाएंगे ट्राई हैलाइड भाई? देखो ये रहा बोरोन, ये रहा कोई भी, चलो मैं फ्लोरिन ले लेता हूँ, तो बोरोन की वैलेंसी कितनी है? 3, फ्लोरिन की कितनी है? 1, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? BF3,
ठीक है, BF3, AlCl3, GaCl3. सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विथ हैलोजन एट अ हायर टेम्परेचर फॉर्मिंग ट्राई हैलाइड ऑफ अ जनरल फॉर्मूला MX3. तो आप समझ रहे हो MX3 का मतलब क्या है, ये M का मतलब हो गया ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, X का मतलब हो गया हैलोजन. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक कंपाउंड, वैसे कंपाउंड तो सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं बस. ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो कंपाउंड है वो पूरा डिलेटेड पोर्शन है, लेकिन हाइड्राइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा हाइड्राइड को डिस्कस कर लेते हैं बस. तो अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड. यानी डायरेक्टली ग्रुप 13 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, फिर भी बहुत सारे हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, वो मिलते हैं. कैसे मिलते हैं उनको देखते हैं. बोरोन फॉर्म अ नंबर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड, जो बोरोन होता है दे फॉर्म नंबर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड विद अ जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस, राइट, दीज आर कॉल्ड बोरेन्स. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड ऑफ टू सीरीज इंक्लूड B2S6, B4S10 रिस्पेक्टिवली. तो एक B2S6 होता है बेटा, यहाँ पे मैं बता भी दूँ थोड़ा सा तुम लोगों को, B2H6. अब देखो बड़ा डिफिकल्ट काम है ये B2S6 के बीच का बॉन्ड बनाना, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनेगा, ध्यान से देखना. ये हो गया एक H, ये हो गया एक H, ये इधर एक H हो गया, एक H इधर हो गया. अब देखो बेटा एक एच ये हो गया, एक एच ये हो गया. अब आप सबको पता है कि भाई बोरोन के पास वैलेंसी कितनी है, बोरोन के पास तो वैलेंसी 3 है, यानी 3 से ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता, ना ही 3 से ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ना ही वो ले सकता है भाई कोई देने वाला भी, हाइड्रोजन यहाँ पे दे भी नहीं सकता बेचारा, तो क्या कहानी की जाए, तो दिक्कत है. B2S6 बनता कैसे है, तो भाई ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता है, इस तरीके का, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड. क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड. दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा बनाना जैसा स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है. ठीक है, तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, और इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड. समझ में आया ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड. देखो यहाँ पे इस बोरोन हाइड्रोजन और ये बोरोन दिख रहा है आपको, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन जो मैंने शेप के अंदर बनाया है, तो वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो इन 3 सेंटर्स के बीच रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो इन तीनों सेंटर के बीच रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, है ना, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो 3 सेंटर में रोटेट कर रहे हैं. यहाँ देखो एक सेंटर यानी 2 सेंटर है यहाँ पे, एक बोरोन और एक हाइड्रोजन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक बोरोन का, तो इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड. ठीक है, इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं. तो इसी तरीके से बेटा हमारा B2S6 का डायग्राम बनता है, B2H6 का. समझ आया सबको, B2S6 का डायग्राम कैसे बनाया मैंने, इस तरीके से B2S6 का डायग्राम बनाते हैं. अब इसी लॉजिक पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार मुझे बताओ आप Al2Cl6 की क्या कहानी है, इसका कैसे बनेगा डायग्राम, इसका बनेगा क्या, तो देखो इसमें कुछ ऐसे होता है क्या, ये भी बनाना बॉन्ड बनाएगा, तभी चेक करते हैं. तो ये रहा AlCl, AlCl, फिर AlCl, AlCl. नाउ एक Cl और है, एक Cl और है. अब यहां पे क्या है, बोरोन के पास ना कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सके, और ना ही हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे कि दे सके, बट यहाँ पे क्लोरीन के पास देखो क्या है, ये एक बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास ये लोन पेयर बचे हैं, समझ रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन तभी भी बच गए, एक ही तो बॉन्ड बना है. सिमिलर इस वाले को देखो, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और डेटिव बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से. तो इस तरीके से बनता है Al2Cl6. तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला एरो वाला बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्यूमिनियम को, कौन दे रहा है, क्लोरीन. तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्यूमिनियम को, तो इसीलिए इस तरह का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, समझ आ गया, Al2Cl6 डन ना. ठीक है,
तो ये कहानी हो जाएगी बेटा, जिस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो आप लोग को बनाना बॉन्ड भी दिखा दिया है, B2S6 का फॉर्मेशन, और उसी तरीके से आपको हमने Al2Cl6 का बॉन्ड भी दिखा दिया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, Al फॉर्म अ पॉलीमेरिक हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला AlH3n, मतलब Al2S6 भी बना सकता है। अब देखो ये हाइड्राइड्स की बात हो रही थी, मैंने Al2Cl6 का डायग्राम आपको बस एक आइडिया के लिए बता के दिखाया था। चलो दोबारा हाइड्राइड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हम तो BS6 के हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला AlS3 व्हिच इज कॉमनली नोन एज एलेन, एंड इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेल्सियस इनटू इट्स एलिमेंट। GS3 इज इवन लेस स्टेबल, व्हाइल AnS3 एंड TLS3 आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ऊपर वाला बोरोन, फिर स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घटते जा रही है। यानी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आने पे घटते जा रही है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, वैसे वैसे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज होते जा रही है। डन। तो वही लिखा है, GS3 इज अ इवन लेस स्टेबल व्हाइल AnS3 एंड TLS3 आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। डन। तो ये हो गया भाई पूरा हम लोगों का इसके बारे में। अब थोड़ा सा यूनिक बिहेवियर है बोरोन का, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या यूनिक बिहेवियर है बोरोन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि पूछा जाता है आपको कि जो भी ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई एनोमिलस बिहेवियर, है ना, एनोमिलस बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो 13th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बोरोन। सो चलो देखते हैं कि क्या इसका यूनिक बिहेवियर होता है बोरोन का एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट। तो पहली चीज, बोरोन इज अ टिपिकली नॉन मेटल। जो बोरोन होता है वो क्या होता है बेटा? बोरोन इज अ टिपिकली नॉन मेटल व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर मेटल, है ना। यानी जो बोरोन होता है वो तो नॉन मेटल होता है, जबकि अदर मेंबर्स जो इस ग्रुप के होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? यानी बोरोन इज टिपिकली अ नॉन मेटल व्हाइल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप आर मेटल्स। अगला देखो, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाइयर देन अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये पहले ही पढ़ लिया था हम लोगों ने। दूसरा, इट फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, व्हाइल अदर मेंबर्स कैन फॉर्म कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड। डन। नाउ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 4 व्हाइल दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज 6। यानी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है बोरोन की वो कितनी है? 4 है, जबकि एल्यूमिनियम की कितनी है बेटा? 6 है। क्लियर है? ये कोवेलेंसी मतलब आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? बोरोन, बोरोन का 5 है, तो आप कैसे लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p1। अब इसको डायग्राम ऐसे दिखाओ, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p1, ये है ग्राउंड स्टेट। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में कैसे लिख सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा बेटा, तो ये कैसे हो जाएगा देखो, मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात हो रही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला चला गया, यहां वाला भी, तो एक यहां से था ही, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के भी आ गए, तो कितने हो गए ये? नहीं, इसको तो आप नहीं छेड़ोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ वैलेंस के लेने होते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल के। 1s2 तो इनर मोस्ट सेल है ना, उसको नहीं लेना, वैलेंस के। तो वैलेंस के हमने लिया ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया यहाँ, तो अभी कितनी इसकी वैलेंसी हो रही है? पहले मैं वैलेंसी समझाता हूँ तुम्हें, तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई मैक्सिमम? तो हम बोल सकते हैं ना कि वैलेंसी 300 कर सकता है, ठीक है, 1, 2 और 3। अब कोई बोले वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, कोवैलेंसी कितनी मैक्सिमम शो कर सकता है? तो उस स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ आ गया तो कितनी कोवैलेंसी हो सकती है? अब बताओ जल्दी, कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी इसकी मैक्सिमम 4 हो सकती है, क्योंकि एक बॉन्ड खाली है ना, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वैलेंसी, कोवैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज ना होना। सबसे पहले बात करूं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो 2 और 1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इसकी 3 कैसे है? आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड बना सकता है, 1, 2 और 3, तो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो वैलेंसी भी 3 हो गई। अब ये कोवैलेंसी का मतलब क्या है? कोवैलेंसी का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, डन, उसी तरीके से आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, एक और ऑर्बिटल खाली है, मतलब अगर कोई अपना लोन पेयर लेके यहाँ पे आ गया तो भी बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी तो 4 है, लेकिन वैलेंसी इसकी 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आगे देखो,
ओनली बोरोन एग्जिबिट एलोट्रॉपी एंड एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस फॉर्म। यानी सिर्फ बोरोन ही है जो एलोट्रॉपी और एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सॉलिड्स के दो फॉर्म होते हैं बेटा। जो सॉलिड्स होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स भी होते हैं। जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो थोड़े से वीक सॉलिड्स होते हैं और वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो वीक होता है, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें सारे पार्टिकल एक रेगुलरली अरेंज होते हैं जिसके चलते वो प्योर सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब देखो, इट्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड हैव एसिडिक नेचर व्हाइल दैट ऑफ अदर मेंबर हैव एम्फोटेरिक एंड बेसिक नेचर। यानी जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होंगे बोरोन के वो तो एसिडिक नेचर के होंगे क्योंकि खुली ये नॉन मेटल है, तो हम सबको पता है कि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इट्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड हैव एसिडिक नेचर व्हाइल दैट ऑफ अदर मेंबर हैव एम्फोटेरिक एंड बेसिक नेचर। नेक्स्ट देखो, इट्स हाइड्राइड आर क्वाइट स्टेबल व्हाइल दैट ऑफ अदर मेंबर आर नॉट सो स्टेबल। इसका जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे स्टेबल होते हैं, जबकि अदर मेंबर्स अगर इस ग्रुप के ले लो कि हाइड्राइड्स इतने अच्छे स्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बेटा कि लाइक नॉन मेटल इट कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म मेटल बोराइड्स। यानी नॉन मेटल के जैसे हेलोजन के साथ कंबाइन हो रहा था तो हेलाइट बना रहा था, मेटल हेलाइट, उसी तरीके से लाइक नॉन मेटल इट ऑल्सो कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म मेटल बोराइड्स व्हाइल अदर मेंबर फॉर्म एलॉय विथ द मेटल्स। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिकम्पोज स्टीम व्हाइल अदर मेंबर्स डू सो। सो इट डज नॉट डिकम्पोज स्टीम, ये स्टीम को डिकम्पोज नहीं करता है जबकि व्हाइल अदर मेंबर्स डू सो। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का व्हाइल अदर आर द गुड कंडक्टर, है ना। तो ये तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है जबकि बाकी जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर, है ना। तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है, डन? कोई भी डाउट हो बेचा तो पूछो फटाफट जल्दी से आप लोग। इनमें से अभी कोई भी डाउट हो बेटा, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से फटाफट। सारा प्रॉपर्टीज था? नो, गुड, क्लियर अभी तक? चलो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 14 ग्रुप का। वैसे तो कल ही करेंगे इसको हम लोग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लेते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन है बेटा, हम सबको पता है सेमीकंडक्टर ग्रुप है ये, दैट इज कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एसएन, लेड और लेड, टिन और लेड, है ना। तो बेटा याद करने का तरीका है इसका, सभी लोगों ने याद कर ही रखा हुआ क्या, लेकिन एक और तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ, काफी गए सुन पड़े, है ना, काफी गए सुन पड़े, इस तरीके से भी याद, इसका याद करने का छोटा सा तरीका है। आप लोगों ने जिस तरीके से भी याद किया हो बस याद रखना एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ग्रुप जो 14 है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर व्हाइल सिलिकॉन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये बहुत ही काम का ग्रुप होने वाला है क्योंकि आप देखते हो ऑर्गेनिक पे जितने भी चीजें पढ़ते हो, जितना भी स्टडी करते हो, सब में कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण होता है यूजेस, राइट। सो उसमें कार्बन के बिना तो आप ऑर्गेनिक को बिल्कुल मतलब डिफाइन भी नहीं कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, ग्लूकोज ले लो, हर जगह कार्बन कार्बन, है ना। तो कार्बन जो होता है इट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, जबकि जो सिलिकॉन है ना इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और कार्बन जो होता है वो इसमें नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटेलॉइड्स होते हैं, और बाकी जो एसएन और पीबी होता है उसमें पीबी थोड़ा सा मेटेलिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा आप लोगों को, पांच एलिमेंट्स हैं, इन पांचों एलिमेंट्स के क्या क्या नाम हैं और किस तरीके से। अब देखो,
अगर मैं इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जनरल ट्रेंड एंड द वेरियस जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इस एलिमेंट का, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लोग क्या शो करेंगे, वो शो कर रहे थे NH2NP1, तो ये शो करेंगे NH2NP2, मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वैलेंसी भी 4 होती है, यानी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का भी लिखना हो, अगर मान लो किसी ने बोला कार्बन का लिखो, तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p2। किसी ने बोला सिलिकन का लिखो, तो कैसे लिखोगे बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, यानी लास्ट में वही NH2NP2 के इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो सिलिकन हो। क्लियर है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज NH2NP2, वेयर NH2 3 4 कुछ भी हो सकता है। Now all through they have a same number of valence electron, yet these are known to exhibit the variation in the properties, and this is because they differ in the configuration of the penultimate shell, है ना? तो penultimate shell में आप देख रहे हो अलग-अलग electrons आएंगे, ठीक है? तो क्या होता है penultimate shell और anti penultimate shell, कोई बताएगा? देखो, जैसे ये shell है, कार्बन के लिए बना दिया, तो ये 2 है, ये कॉमा 4 है, तो 2 कॉमा 4। फिर देखो, फिर अब मैं सिलिकन के लिए बना रहा हूं, तो ये देखो, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है? तो पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है बेटा ये वाला शेल, जो अंदर वाला शेल है, इसके पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, ये आउटर शेल हो गया ना, तो इसके पेनल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पेनल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले में 18 आ जाएंगे। तो पेनल्टीमेट शेल होता है आउटर के बाद जो अगला शेल आता है ना, आउटर वाला ये हो गया, इसके बाद जो शेल होता है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, और उसके भी जो अंदर होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को, टिल आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल।